सो गाइस वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम से फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं इस अपने YouTube चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं बिटकॉइन को लेकर। जो मैंने यहां पर अपडेट दिया था ऑलमोस्ट मार्केट उस हिसाब से फ्लो ले रहा है। नियरेस्ट हमारे लेवल पर यानी 29,000 डॉलर के करीब मार्केट आ चुका है। फिलहाल रिसेंटली मार्केट ने 28,000 डॉलर को हिट किया है। इसी खुशी में आप इस वीडियो को हिट करो एटलीस्ट 300 लाइक और 200 कमेंट्स। आने वाले टाइम में बड़ा मजा आने वाला है बिटकॉइन और अल्टकॉइन के अंदर। फिलहाल मैं कुछ लेवल्स बताने की कोशिश करूंगा कहां से मार्केट करेक्शन कर सकता है, कहां तक मार्केट करेक्शन करेगा, अल्टकॉइन में एग्जैक्टली बुल सेशन कब स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में जो एम है मैं कोशिश करूंगा, मुझे यकीन है कि आप लोग 300 लाइक्स और 200 कमेंट्स का एम इजीली हिट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फटाफट आप देख लो। न्यू टेक्निकल एनालिसिस क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, इन्फॉर्मेशन चाहे हो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बिटकॉइन को लेकर तो ऑलमोस्ट मार्केट कॉइन मार्केट कैप पर फिलहाल 27,000 डॉलर चल रहा है, लेकिन कॉइनबेस बाइनेंस इसकी बात करो तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 28,120 या 150 डॉलर का जो प्राइस है वो हिट कर चुका है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्रकार मार्केट और कितना हाई जा सकता है। देखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करूँ क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत से न्यू लोग इस फोमो में एंटर होने वाले और हमारा काम है कि उनको बताए कि एंटर कब किया जाए। फिलहाल अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिटकॉइन में फिल वक्त में आपको परचेजिंग एंट्री बनाना तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जाल में फंस सकते हो, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं समझता हूँ एग्जैक्टली आपको पता चलेगा मार्केट अगर करेक्शन करना भी है तो कहाँ पे करना। देखो सबसे पहला मैं समझता हूँ जब मार्केट यहाँ से था, जब मार्केट का हमारा वेव था कि मार्केट यहाँ से हायर देगा, उस टाइम का भी हमारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, उस हिसाब से भी मार्केट ने अप किया था, मार्केट ने उसके बाद करेक्शन किया था ऑलमोस्ट हमारा जो फिफ्थ लेवल है 1.618 के। उसके बाद मार्केट फिर से एक हायर रैली लेना स्टार्ट किया और उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट था जो हमने प्रेडिक्शन किया था जो कि नियरेस्ट है 29,000 डॉलर, राउंड फिगर के हम इसको 30,000 डॉलर को कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, मतलब मान के चलिए अगर मार्केट इजिली हिट करता है, ऑलमोस्ट करीब आ चुका है, मैं समझता हूँ 800 डॉलर दूर है हमारे टारगेट से, तो अगर मार्केट यहाँ तक हिट करता है तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से कर सकता है करेक्शन। और ये जो करेक्शन बेसिकली देखने को मिलेगा वो दो लेवल है, एक है 17,000 डॉलर और एक है आपका नियरेस्ट 14,000 डॉलर के करीब। देखिए बेसिकली लैक वन हो गया, लैक टू हो गया, ये लैक थ्री था, लैक फोर का करेक्शन आने वाला है मार्केट में। मैं समझता हूँ 30,000 से लेकर 29,000 डॉलर का लेवल है। अब बेसिकली हम जो चार्ट देख रहे हैं ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट है तो उसके हिसाब से ऑब्वियसली बात है मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि मंथ में मार्केट हाई प्राइस भी शेडो छोड़कर भी करेक्शन ले सकता है, बट इतना कंफर्म है कि मार्केट यहाँ से करेक्शन ले सकता है। मेरा जो सेकंड एस्टिमेशन था मार्केट कैंडल का, तो इस मंथ की अगर हम कैंडल की बात करें तो नियरेस्ट फिलहाल जो हमारा टारगेट है, ठीक है, हमारे टारगेट के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो वो नियरेस्ट 10,000 डॉलर का कैंडल बन रहा है। जैसे मेरा एस्टिमेशन है कि जहां पर भी मार्केट 10,000 डॉलर का कैंडल बनाता है उसके बाद मार्केट करता है करेक्शन, तो ये फिलहाल कोई सही वक्त नहीं है बिटकॉइन में एंटर करने का। अगर आप सोच रहे हो कि इस प्राइस में 29,000, 28,000, 25,000 में अगर आप बिटकॉइन परचेज करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आप गलत सोच रहे हो। अभी आपको वेट करना चाहिए मार्केट के करेक्शन का। एस्टिमेशन है मार्केट 14,000 टू 17,000 डॉलर का करेक्शन करेगा और उसके बाद हमारा फिफ्थ लेग स्टार्ट होगा जो कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, जो कि मैं समझता हूं कि वो फिफ्थ लेग आपका इजीली आने वाले टाइम के अंदर एक हायर रैली, अगर मान के चलिए हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मार्केट नियरेस्ट 14,000 डॉलर का करेक्शन करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टारगेट की यहां पर बात करूं, बट नेक्स्ट टारगेट की बात करने से पहले मैं यहां पर आपको टोटल मार्केट कैप के बारे में अपडेट देना चाहूंगा। बिटकॉइन का आने वाला बुल टारगेट कहां पर होगा वो आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखो। करेक्शन बनने के कितने चांसेस है, कौन से लेवल पर रहेंगे आपको आगे बताने वाला हूं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं मार्केट कैप के बारे में, देखिए मेरा क्लियर एस्टिमेशन आपको मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था कि बिटकॉइन डोमिनेंस 837 बिलियन, सॉरी टोटल मार्केट कैप डोमिनेंस जो है वो 837 तक इजीली पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो सकता है करेक्शन, ठीक है, करेक्शन पॉसिबिलिटी से होगा, बिना करेक्शन के मार्केट अब नहीं जाता है, कंटिन्यू मार्केट अब जा रहा है यहाँ पर काफी हेल्दी तरीके से जा रहा है, तो जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं पहुंचेगा तब तक
मार्केट में कोई भी एंटर लेने का ना सोचे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस के मार्केट कैप जो है बिटकॉइन टोटल मार्केट कैप वो भी करेक्शन देगा। बट उसके अगेंस्ट हम बात करें अल्टकॉइन का, देखिए दो सिनेरियो यहाँ पर एक देखने को मिल रहे हैं, बिटकॉइन अब जा रहा है, टोटल मार्केट कैप अब जा रहा है, अल्टकॉइन मार्केट कैप स्टिल अभी बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डाउन है। तो यहां पर अगर मार्केट मान के चलिए आपका हिट कर देता है आपके लेवल्स को, तो आपका अल्टकॉइन मार्केट कैप भी आपको इजीली हायर वेव में मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ काफी तेजी से यहाँ से बढ़ सकता है अगले लेवल के लिए। लेकिन मेन वही चीज है कि मार्केट कैप में ज्यादा डंप नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वाले टोटल मार्केट कैप पॉजिटिव रहेगा तभी अल्टकॉइन का यानी जो बिटकॉइन का पैसा है यानी जो बिटकॉइन डोमिनेंस है, जो मेरे हिसाब से बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पर नहीं है, सॉरी मैं चेक करता हूँ वो हमको उसके लिए ओके ठीक है बिटकॉइन ठीक है। तो फिर वक्त में पूरा हिस्ट्री को देखने के बाद एक चीज समझ में आ रहा है कि भाई अगर मार्केट कैप चलो ज्यादा चांसेस तो यही है मार्केट कैप और हायर जाएगा, जितना मार्केट कैप हायर जाएगा उतना ही अच्छा चांस है आपका अल्टकॉइन पे मूवमेंट लेने का। बहुत से लोगों ने अल्टकॉइन में बॉटम में एंट्री ली हुई है हमारे साथ, रिपल हो गया, लाइटकॉइन हो गया, रिपल के ऊपर मैं आपको अपडेट मंडे या ट्यूसडे तक दूंगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि आउटकम का, जब तक उनका क्लियर कट आउटकम नहीं आएगा जो भी एससीसी और रिपल के बीच में हो रहा है, तब तक मैं कोई अपडेट नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि फिल वक्त में टेक्निकल से ज्यादा मार्केट सेंटीमेंट पर डिपेंड है। तो बहुत सारे चांसेस है मार्केट मैनिपुलेशन होगा, बायर सेलर दोनों इंक्लूडेड है बाय और सेल करने के लिए। तो रिपल का सारा अपडेट चाहते तो वीडियो को फटाफट 300 लाइक तक हिट करो, आने वाले वीडियो मंडे ट्यूजडे में आपको इंशाल्लाह जरूर अपडेट दूंगा रिपल को लेकर। फिलहाल बात करते हैं मार्केट कैप अल्टकॉइन के बारे में। तो जिस तरह टोटल मार्केट कैप ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा है, आपका अल्टकॉइन मार्केट कैप भी उस लेवल को इजीली हिट करेगा आने वाले टाइम के अंदर। इट विल टेक टाइम, आप बोलेंगे सर दिनों रातों रात ऐसा चीज होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज नहीं है, इट विल टेक 3-4 मंथ्स जो भी चीज है आपको आने वाले टाइम के अंदर पता चल जाएगा। फिलहाल टारगेट की अगर बात करें तो अल्टकॉइन मार्केट कैप ने 1.618 का टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर चुका है। नेक्स्ट जो मैं टारगेट एस्टिमेशन देख रहा हूँ यहाँ पर वो है 2.618, उसके बाद मार्केट में हो सकता है करेक्शन, फिर मार्केट वापस जाएगा हाई पर। तो दोनों लेवल वाला या तो मार्केट सीधा यहाँ से हायर वे से मूवमेंट करेगा ऑल टाइम जो पिछला ऑल टाइम हाई था उसके करीब, या तो मार्केट करेगा करेक्शन। लेकिन अल्टकॉइन फिलहाल अल्टकॉइन बिल्कुल सुस्त दिख रहा है फिलहाल वक्त के अंदर, क्योंकि टोटल मार्केट कैप एक हायर वैल्यू एक हायर रेंज में पहुंच चुका है अपने ऑल टाइम हाई, पिछला जो ऑल टाइम हाई था उसके करीब आ चुका है। लेकिन बिटकॉइन ने पिछला ऑल टाइम हाई भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो क्या हमको इससे क्या पता चलेगा, हम क्या प्रिडिक्शन ले एग्जैक्टली बिटकॉइन को लेकर, क्या बिटकॉइन यहाँ से रुकेगा नहीं रुकेगा या मार्केट सीधा हाई ही जाएगा। देखिए मल्टीपल सिनेरियो के हिसाब से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक तो ये है कि बिटकॉइन करेक्शन अगर मान के चलिए ले लेता है, एस्टिमेशन करेंगे मार्केट 30,000 गया उसके बाद करेक्शन ले रहा है नियरेस्ट $14,000 के, उसके बाद मार्केट बेसिकली आपका कहां पर जाएगा, उसके बाद मेरा जो पर्सनल टारगेट है वो है नियरेस्ट 39 to 40, राउंड फिगर के लिए हम कह देंगे कि ये नियरेस्ट जा सकता है $40,000 को, ये मेरा पहला टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन आपका नेक्स्ट रहेगा ले सकता है $54,000। फिल वक्त के लिए मैं पहला टारगेट रखूंगा, क्योंकि पहला टारगेट जब ब्रेकआउट करेगा तो ही हम सेकंड टारगेट का एस्टिमेशन रख सकते हैं कि मार्केट इजीली वहां तक जाएगा। अब मैं करता हूं लेग को ड्रॉ ताकि आपको भी क्लियर कट पिक्चर समझ में आ जाए क्या बिटकॉइन क्या सिनेरियो क्या कर रहा है, एग्जैक्टली कौन से लेवल को बिटकॉइन फॉलो कर सकता है, कौन से लेवल को नहीं कर सकता है, फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले टाइम के अंदर क्या टारगेट हो सकते हैं। फिलहाल मैं लेवल को कर देता हूँ हाईलाइट, मेन मेन लेवल्स रहेंगे जो कि आपको वॉच करना है। अब अगर जो बिटकॉइन में परचेज करने का सोच रहे हैं तो उनको वेट करना होगा पुल बैक कहाँ पर होगा, पुल बैक ले सकता है $14,000। अब अगर मान के चलते हैं कि बिटकॉइन ने करेक्शन नहीं लिया तो बिटकॉइन कहाँ पर जाएगा, अगर बिटकॉइन करेक्शन नहीं लेता है तो इजीली मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा बिटकॉइन एनुअल टाइम पर अंदर $44,000 के करीब का हायर लेवल देखने को मिल रहा है। अगर बिटकॉइन करेक्शन नहीं करता तो बिटकॉइन स्ट्रेट जाएगा, बट अगर बिटकॉइन इसको ब्रेक नहीं करता है तो करेक्शन मैंडेटरी है। ये करेक्शन के लेवल से जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज्यादा मार्केट उथल पुथल हो सकती है। तो जो लोग फिल वक्त में करंट प्राइस में बिटकॉइन लेने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से वेट करो, क्योंकि वेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इतने हाई पे परचेज करोगे फिर मार्केट अगर क्रैश करेगा तो आपके लिए हो सकती है प्रॉब्लम।
बेहतर है वेट करो, मार्केट करेक्शन करेगा उस टाइम एंट्री बनेगा। नेक्स्ट जो भी अपडेट रहेगा अल्टकॉइन बिटकॉइन को लेकर वन वन टाइम के वीडियोस में जरूर दे दूंगा, क्योंकि फिल वक्त के अंदर इतना ही समझ में आ रहा है कि अभी टाइम नहीं है बिटकॉइन में एंटर करने का। सही टाइम कहां पर था, सही टाइम था $6,000 से कम था $6,500, ये कोई सही टाइम नहीं है बिटकॉइन को खरीदने का, ये टाइम है बेचने का। फिल वक्त में एक चीज पता, तो यहाँ पर किसी को इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जैसा वैसा ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, जिसको फॉलो करना है कर सकता है, लेकिन अपने ओन रिस्क और रिसर्च कर। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूले, टारगेट को फटाफट हिट करो ताकि अगला वीडियो अगले अल्टकॉइन आपकी रजिस्टर से ला सकूं। मतलब आप सिर्फ वेट करो या जब तक अल्टकॉइन मार्केट का पॉजिटिव नहीं होगा ना, तब तक मैं अल्टकॉइन में वीडियोस नहीं लाऊंगा, क्योंकि जब तक वो पॉजिटिव नहीं है तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। और रिपल का अपडेट मंडे ट्यूजडे तक आपको मिल जाएगा, जैसे ही कुछ बेहतरीन। फिर वक्त के लिए वीडियो को यही एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।